अयोध्या केस की सुनवाई पूरी होने के बाद संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख तय होने लगी है। जानकारी के मुताबिक 18 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है और 13 दिसंबर तक सत्र चल सकता है। हालांकि सत्र के संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर शीत सत्र को लेकर बुधवार को मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति यानी CCPA की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें सत्र की तारीखों पर फैसला हुआ। यहीं से 18 नवंबर से सत्र शुरू होने के संकेत मिले हैं। आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र पिछले 2 सालों से 21 नवंबर से शुरू होता रहा है, मगर इस बार संसद का सत्र नवंबर के 3रे सप्ताह में शुरू हो सकता है। यह सत्र मोदी सरकार के लिए काफी अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर और बाबरी विवाद पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है और अब इंतजार अदालत के फैसले का है कि आखिर इस पर मालिकाना हक किसका है। यह फैसला 17 नवंबर को अदालत सुना सकती है। इसी के अगले दिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है, क्योंकि जो भी फैसला आएगा उस पर सरकार को संसद के अंदर रूपरेखा बनानी पड़ेगी। याद है धारा 370 खत्म करने से पहले किस तरह से मोदी सरकार ने तैयारी की थी। इसीलिए यह सत्र मोदी सरकार के लिए अहम है, जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। ये मसला बहुत पुराना है, जिसे हल करने की कोशिश तो कई सरकारों ने की मगर कर नहीं पाई। पर सुप्रीम कोर्ट की मैराथन सुनवाई के बाद एक उम्मीद जगी है कि अब चाहे सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाए, इसे सबको दिल से स्वीकार करना चाहिए। खास बात यह भी है कि इस सत्र में मोदी सरकार 2 महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की पूरी कोशिश करेगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2019 पर सरकार अध्यादेश ला चुकी है। आगामी सत्र में इस अध्यादेश पर फैसला हो सकता है। उधर मंद पड़ी अर्थव्यवस्था और विकास दर में तेजी लाने के लिए सरकार ने कॉर्पोरेटेड टैक्स में भारी छूट दी है। सरकार इस कदम से नए और देशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राहत देना चाहती है। इनकम टैक्स एक्ट अध्यादेश इसी से जुड़ा है। यह अध्यादेश सितंबर महीने में लाया गया था। दूसरा अध्यादेश भी पिछले महीने लाया गया, जो ई सिगरेट और इससे जुड़े उपकरणों के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री से जुड़ा है। शीतकालीन सत्र में इस पर भी सरकार कानून बना सकती है, मगर सबका ध्यान इस बात पर होगा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या रवैया होगा, क्योंकि इस बार के शीतकालीन सत्र में सियासत की तपिश भी होगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।